हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज हम लोग जाने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी चीज करने के लिए। यहाँ पे लॉकडाउन थोड़ा सा कम हो चुका है तो हम लोग शूट करने वाले हैं फूड ब्लॉग, जिसमें हम लोग जाने वाले हैं अहमदाबाद से खेड़ा। तो आई होप कि आप सब लोगों को बहुत मजा आएगा। कुछ सस्पेंस है, कहाँ जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, आपको वीडियो में पता चल जाएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मेरे साथ। दोस्तों, आज हम लोग जाने वाले हैं अहमदाबाद से आनंद। हमारा सबका मोटिव ये था कि हम लोग एक ट्रिप प्लान करें, हालांकि मेरे दोस्तों ने ये मुझे एक सरप्राइजिंग ट्रिप दे दी और हम लोग ऑल ऑफ सडन अहमदाबाद से निकल गए। तो ये वीडियो इतना अच्छा तो शूट नहीं हो पाया, लेकिन मैंने बहुत ही कोशिश की है कि इसको बहुत ही अच्छा बना पाऊँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम लोग जाने वाले हैं अहमदाबाद से आनंद सिर्फ नॉनवेज फूड खाने के लिए। आप में से अगर बहुत सारे वेजिटेरियंस लोग भी देख रहे होंगे तो वही सेम होटल्स में वेजिटेरियन फूड भी मिल रहा है वहाँ पे। अब बात करते हैं, यहाँ से हम लोग बड़ौदा हाईवे पे जा रहे हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट हाईवे है अहमदाबाद का। अहमदाबाद से बड़ौदा तक कुछ 120 किलोमीटर रफली होता है, वहाँ तक ऐसा ही हाईवे है, बहुत ही अमेजिंग। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि वहाँ पर आपको टोल टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि इतना अच्छा हाईवे बनाया है। लेकिन बहुत मज़ा आएगा आपको। अब मैं दिखाने वाला हूँ मेरे साथ कौन कौन लोग आए हुए हैं और वहाँ पे जाके अब हम लोग मिलेंगे मस्त फूड के साथ। मैं आपको रिव्यू बताने वाला हूँ फूड भी कैसा है और कितना मज़ा आ रहा है। तो आप मेरे साथ बने रहे और वीडियो को एंजॉय कीजिए। तन्हा दिल तन्हा सफर, ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर। तन्हा दिल दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं होटल शालीमार, जो कि यहाँ पे एक बहुत ही फेमस होटल है। आपको दो तीन होटल यहाँ पे फेमस मिल जाएगी, जिसका नाम है, एक है रेड चिली, एक है ये शालीमार। इसके पहले भी एक और एक होटल है जिसका नाम मैं भूल चुका हूँ, तो इसका आपको गूगल से लोकेशन भी मिल जाएगा। आप पहले अंदर फूड देखिए, हमको भी फूड टेस्ट करने दीजिए और इसके बाद जानेंगे कि इसका फूड का प्राइस कितना है और फूड कैसा है। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहे। इसके दो पोर्शन है, पहला है जो लोकल लोगों के लिए, मतलब नॉर्मल अगर आपको आना है तो यहाँ पर आ सकते हो, और अंदर है उसमें फैमिली डाइनिंग वगैरह है, जहाँ पे प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी लेकिन एट द सेम टाइम फैसिलिटीज़ भी अच्छी रहेगी। तो हम लोग अंदर की साइड जा रहे हैं और वहाँ पे फूड का प्राइस दिखाएंगे। मे बी उस बाहर आप अगर खाना खा रहे हो तो वहाँ पे फूड का प्राइस शायद अलग हो सकता है। तो चलिए फूड देखते हैं, फूड कैसा है यहाँ का, फिर बात करते हैं। सबके साथ हम यहाँ पे खाने आए खेड़ा शालीमार में, जो एक बहुत ही अच्छी क्या ही रेस्टोरेंट है, होटल है, रेस्टोरेंट है। यहाँ खाना बहुत अच्छा है। हमारे दोस्त डाइनिंग भी चालू है पेंडेमिक सिचुएशन में, जो हम लोग काफ़ी टाइम बाद हम लोग ये जर्नी पे आए हुए सब तीन चार दोस्त मिलके, और शायद आज खाने पीने के साथ साथ में बहुत सारी पुरानी बातें होगी और इन्जॉय करेंगे। और ये हमने मंगवाया शालीमार प्लेटर, जिसमें चार तंगड़ी है, एक टिक्का है ग्रीन टिक्का, और बाकी चिकन है दूसरी ग्रेवी वाली। तो चलो अब खाने लगते हैं।
दोस्तों खाना बहुत ही अच्छा था। इसके बाद हम लोगों ने आइसक्रीम भी मंगवाया, लेकिन मैं उसको वीडियो शूट नहीं कर पाया। ओवरऑल हमने बहुत सारी चीज़ें मंगवाई और बहुत सारी चीज़ें खाई भी, बहुत ही टेस्टी था और इसके साथ साथ प्राइस भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर आप 3-4 लोग जाते हो तो अप्रोक्स आपको 350-400 रुपये पर हेड आएगा, जिसमें आप बहुत ही पेट भर के अच्छा खासा आइसक्रीम के साथ सब चीज़ें खा सकते हो। तो चलो आगे चलते हैं और थोड़ी सी और राइड करते हैं। मटन और कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ड्राइव, मतलब काफी अच्छा था। तो के बाद उनके साथ मुलाकात हुई, लॉन्ग जर्नी पे निकले हम लोग, जिसमें होटल सम्राट के सामने काम की भी, बिना काम की भी, जिसमें हमारे खास और सबसे अच्छे ब्लॉगर हंसने ये ऑल ओवर ये सफ़र बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार रहा, जिसमें हमने बहुत ही अच्छा फूड खाया। और यहाँ पे हम लोग और भी थोड़ा आगे ड्राइव कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो बहुत ही मज़ा आया ये जर्नी में। और मेरे ख्याल से ये ऐसी जर्नी रही जिसमें हम लोगों को थकान भी ज़्यादा नहीं लगी, और एट द सेम टाइम हम लोग बहुत ही कम टाइम में ये जर्नी ख़त्म हुई और बहुत ही मज़ा आया। तो अगर आपको अहमदाबाद से कुछ प्लान करना है तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट ऑप्शन है, जहाँ पे आप 2-3 या 4 घंटे के अंदर मैक्सिमम अपने घर पे भी आ जाओगे, आप अच्छा सा फूड भी खा के आ जाओगे और बहुत ही मज़ा आएगा ये हाईवे पे घूमने का। तो एक बार ये एक्सप्लोर ज़रूर करना।